गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 के राष्ट्रभाषा हिंदी पाठ पुस्तक का पाठ 6 का अभ्यास हल करेंगे। तो हमारा पाठ 6 है आज्ञाकारी सेनापति। पहला है हमारा सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाओ। तो पहला है हमारा राजा कौआ रहता था नंदनपुर में, चंदनपुर में, बंदनपुर में, रामपुर में। जो राजा कौआ था कहाँ रहता था? नंदनपुर में। क्या देखकर कौवे की रानी के मुंह में पानी आ गया? आम, बेर, मछली, जामुन। जो राजा कौवा था उसकी रानी के मुंह में क्या देखकर पानी आ गया? मछली। राजा कौवा ने सेनापति कौवा को डैश बताया, अपनी खुशी का कारण, अपनी चिंता का कारण, अपनी बीमारी का कारण, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा होगा अपनी चिंता का कारण। राजा की थाल का भोजन चाहिए था राजा कौवा को, राजा की रानी को, कौवे की रानी को, कौवे के सेनापति को, सिपाहियों को। जो राजा की थाल का भोजन था वो चाहिए था कौवे की रानी को। तो अगला है हमारा बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक दिन दोनों डैश के लिए निकले तो महल की ओर उड़ चले। तो यहाँ पे हमारा फिर होगा घूमने। दूसरा है हमारा मुझे तो उसी महल का डैश भोजन चाहिए अन्यथा मैं अपने प्राण दूंगी। तो यहाँ पे हमारा पहला फिल होगा स्वादिष्ट। अगला होगा त्याग। आठ होशियार आठ डैश कौवे को लेकर डैश कौवा महल में रसोई की छत पर जा बैठा। तो हमारा पहला फिल होगा होशियार, अगला होगा सेनापति। नेक्स्ट है डैश के हाथ से थाल छूट गया। किसके हाथ से थाल छूट गया? रसोइये के हाथ से थाल छूट गया। उधर डैश ने सेनापति कौवे को पकड़ लिया। तो यहाँ पे हमारा फिल होगा सिपाहियों। अगला है मैं आपकी कैद में हूँ, जो डैश आप देना चाहें मुझे मंजूर होगा। तो यहाँ पे हमारा होगा सजा। अगला है सेनापति कौवा राजा को डैश करके वापस अपने राजा के पास पहुँच गया। तो यहाँ पे हमारा होगा प्रणाम। अगला है बच्चों हमारा उचित मिलान करो। पहला है राजा कौवा रानी से बहुत प्यार करता था। सेनापति कौवा रसोई की छत पर जा बैठा। अपनी अपनी चोंच में चावल और मछली भर लेना। अगला है ऐसे स्वामी भक्त को तो उपहार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों मगर रानी की इच्छा तो पूरी हो गई है। तो बच्चों इस कार्य को आप अपनी किताब में करेंगे। धन्यवाद।